हल्द्वानी में नैनीताल जनपद के कप्तान पंकज भट्ट ने दो खुलासे किए। जिला पुलिस द्वारा लगातार नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली और इसी की जानकारी एसएसपी द्वारा दी गई। दरअसल काठगोदाम थाना व एसओजी की संयुक्त टीम ने 105 ग्राम स्मैक के साथ उत्तर प्रदेश निवासी एक तस्कर को पकड़ा है, जो हल्द्वानी में रहकर कबाड़ का काम करता था और अपने गांव जाकर कई बार स्मैक हल्द्वानी लेकर आता था। बता दें कि आरोपी बदायूं से कम पैसों में स्मैक लाकर हल्द्वानी व पर्वतीय जिलों में ऊंचे दामों में बेचता था ताकि उसे अधिक मुनाफा हो सके। फिलहाल उसे चेकिंग के दौरान हिरासत में ले लिया गया है। इसके साथ ही एसएसपी पंकज भट्ट ने विगत दिनों मुखानी थाना क्षेत्र में हुए चैन स्नैचिंग के मामले का भी खुलासा किया। मुखानी थाना क्षेत्र में हुई इस घटना को 23 वर्षीय पीलीभीत निवासी युवक ने अंजाम दिया था। यह युवक फिलहाल समय में जज फार्म हल्द्वानी में किराए के मकान पर रह रहा था। इस संबंध में पुलिस को 7 फरवरी को सूचना मिली। पीड़ित भूपेश पांडे ने बताया कि 5 फरवरी को उनके साथ एक युवक ने चैन स्नैचिंग की और फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी को खोजने के लिए मुखानी क्षेत्र में लगे कई सीसीटीवी फुटेज खंगाले। एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि आरोपी अनुराग गंगवार को पकड़ा गया है, जिसके पास से एक पीली धातु की चेन भी बरामद हुई है। इसमें बदायूं का रहने वाला सगन है। ये पूर्व में भी पहाड़ों में लगातार जो है ड्रग की सप्लाई कर रहा था और पुलिस द्वारा जो प्रोफाइलिंग की गई है उसमें इसको रडार पे रखा गया था। एसओजी टीम और काठगोदाम पुलिस द्वारा जो कंबाइंड अभियान चलाया गया उसमें जीएसटी बिल्डिंग के पास से इसको गिरफ्तार किया गया। इसके पास 105 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। पुलिस टीम द्वारा ड्रग्स पे जो लगातार काम किया जा रहा है उसमें एक बड़ी सफलता के रूप में इसको चिन्हित किया जा रहा है, क्योंकि इसको पुलिस लंबे समय से आपका इसको ट्रैक कर रही थी। इसके ऊपर जो एसओजी टीम और काठगोदाम पुलिस द्वारा अच्छा काम किया गया, इसके लिए 5,000 रुपये की मेरे द्वारा इनाम की घोषणा की गई और आईजी महोदय द्वारा 10,000 रुपये के इनाम की घोषणा। सर, बात सत्यापन को लेकर लगातार यहाँ पर बाहर के आगे लोग काम करते हैं, चोरी बढ़ती आ रही है, तो इनके सत्यापन के लिए क्या कार्रवाई कर रहे हैं? इसमें पूर्व में भी 25,000 से ज़्यादा लोगों के सत्यापन किए गए। उसके बाद हम लोगों ने सोशल मीडिया और इसमें लगातार किया है कि अगर कोई अपनी आईडी नहीं रखता है, अगर उसका सत्यापन नहीं है, उसको संबंधित थाने से सत्यापन करवा के लाना है, अगर उसका सत्यापन नहीं है तो उसके ऊपर 10,000 रुपये के चालान की पुलिस कार्रवाई करती है। इसको व्यापक रूप देने के लिए अगले कुछ समय बाद इसमें भारी फोर्स तैनात करके सत्यापन की कार्रवाई की जाएगी। भूपेश पांडे जी द्वारा 7 तारीख को एक तहरीर मुखानी थाने में दी गई कि उनकी माताजी जब वापस बाजार से आ रही थी तो एक चेन स्नैचर द्वारा उनकी माताजी की चेन छीनी गई। इसमें 392 का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें अनुराग गंगवार करके युवक का नाम प्रकाश में आया। इसमें करीब 100 सीसीटीवी का पुलिस द्वारा अवलोकन किया गया। शुरू में भागते हुए मास्क पहना हुआ था, बाद में इसके द्वारा जब मास्क उतारा गया तो उसके आधार पर पुलिस ने जज फार्म से इसको गिरफ्तार किया गया है और जो चेन थी वो बरामद की है। इसमें पुलिस द्वारा जो तत्परता से कार्रवाई की गई इसके लिए मेरे द्वारा टीम को 5,000 रुपये इसका अभी हम लोग इसका पूरा सत्यापन और इसका आपराधिक इतिहास को चेक करवा रहे हैं। बहुत जल्दी इसकी और जो संलिप्तता है वो सामने आ सकती है।